सुबह के 4 बजे क्या एक लकड़ी होती है, उसमें छिपकल होता है, तो इसी को निकाल के लेके आते हैं। ये है लुला लोग का नया घर, हमारा वेद लोग का नया घर। पलट जाते अपनी बातों से, जो बोलो तुरंत। और ये है गौरव पोछा लगा रहा है। फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर देहरादून से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे केतरा व्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं अभी व्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैं अभी सुबह मैंने सोचा कि आज से व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि अब सीज़न थोड़ा कम हो गया है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अगल बगल में सब लोग सोए हैं, तो उनको डिस्टर्ब भी ना हो। और यहाँ मेरा भाई भी सोया है, जो ब्लैंकेट उल्टा करके सोए है। उठ जा मनु, जा बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे जा। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अब चाय तो हम पीते नहीं है, कम पीते हैं, तो जा ही पीते हैं। तो मैं अभी चाय बनाती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी, फिर ये भी चले जाएगा लाइब्रेरी, मैं भी चले जाऊंगी अपने काम पे। सुबह के 4 बजे क्या नीचे तक ना टेलीफोन तक ये कहने के लिए आया था क्या तू हल्द्वानी से? है रात भर मेरे कमर के बैंड बजे है। ऐसे होता है मेरे भाई, बस में तो यहीं से आया। आराम से करना, दर्द होगा। अरे चल बस, और नीचे जा, और नीचे जा। बस ऐसे करके ऊपर आ। हो गया, एक ही के लिए ऊपर आ ना। तू सुबह यही करा। 4 बजे, 4 बजे इंदर नोक की पाठ लगी है अभी। ये बड़ा आराम से हो गया मुन्ना, वो तरफ सोचा मस्त कर गया। सोचा ठीक हो गया, चैन मिला। बस में यही तो दिक्कत होती है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम बनाई थे यानी करो मोमो खाने के लिए। सुबह नहीं उठ पाऊंगा। मोमो खाने के लिए हल्द्वानी से यहाँ रखा कुंडा लगा। दो जने आ जाओगे इसमें? देखो मैंने कल शाम को भी चाय बनाया था, तो उसी में मैंने दोबारा इसको बना दिया, जला दिया है। और ये है मेरा घी जो मैं घर से लेके आई थी, आधा हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय फटाफट। और मेरे घर वाले कह रहे कि तू आजकल व्लॉग नहीं बना रही है, तो कंटिन्यू व्लॉग बनाया रखा कर। तो मैं दिल लोगों को ये बोलना चाहती थी, आजकल इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो सीजन अब थोड़ा कम हो गया है, तो अब कंटिन्यू मेरा व्लॉग आते रहेगा। आज तक मैं मिनी व्लॉग या शॉर्ट्स से डाल रही थी। तो चलो मेरा जाल पक चुका है, अपने पक रहा है अपने। गरम होता है आओ।
सर्दी में तो उठने का भी मन नहीं करता यार दोस्तों, क्या बताए। मैं आई हूँ छत पे और बहुत अच्छी धूप लगी है, अब मैं खा रही हूँ विटामिन डी। मैंने सब जूते वूते धो लिए अपने यहाँ पे और धूप आ रखी है बहुत। दिनों के बाद मैं छत पे आई हूँ धूप सेकने के लिए। देखो मेरा छत आप लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा नहीं होगा, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। मैंने कपड़े वपड़े धो लिए यहाँ पे और क्रॉक्स और जूता भी धो लिया है। फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर देहरादून से, फैमिली फंक्शन है तो जाना ज़रूरी है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे और सब लोग पहुँच जाएंगे 25 या 26 तक, तो सरप्राइज़ है कि सब लोग पहुँच जाएंगे। मैं और मेरी बहन यहाँ से जाएंगे, हम दोनों रात के 25 के नाइट को है, 11 बजे की है ट्रेन, तो हम लोग जाएंगे। और मेन बात आजकल बुकिंग की वजह से ना डेली व्लॉग नहीं आ पाता है, तो क्या होता है कि कभी हमें सुबह जाना पड़ता है, कभी दिन में जाना पड़ता है मेकअप के लिए, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती है। फिर हम सोचते हैं कि वहाँ वीडियो बनाएं, लेकिन अब अलाउड नहीं होता है, हर जगह कोई बोलते हैं बनाओ, कोई बोलते नहीं बनाओ, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि यार किसी को कैमरे के आना पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों बनाएं। फिर भी मैंने सोचा कि शॉर्ट्स तो मैं बना ही सकती हूँ, तो मैं शॉर्ट्स तो बनाती रहती हूँ। प्लीज़ वायरल होने के लिए क्या करना पड़ेगा बता दीजिए आप लोग, पॉजिटिव वे ना कि नेगेटिव, पॉजिटिव वे में बताना कि वायरल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। पलट जाते अपनी बातों से, जो बोलो तुरंत रितु करना। चाय मिलने नहीं लाई, कहा था हाँ ठीक है मेरे सामने नहीं है, मेरे वाले कप में डाल देती हूँ। हाँ मैंने कप धुल दिए वो वाले, मेरा स्टील धोके डाला ना। हाँ हाँ धोके डाला, ठीक है लग रहा तुम्हारे। हाँ, 500 रुपए के चक्कर। अच्छा हो गया, शाम को निकलना है तो थ्रेडिंग कर रही हूँ, ऊपर हल्का कम कम ही लगाना। मेरे से कुछ ले आओ, ये ना डाल देना, ठीक है ठीक है डाल दूंगी इसको वायरल। ये है ब्राइडल रूम अभी बन रहा है यहाँ पे, ये है फेशियल रूम अभी काम चल रहा है, ये ऊपर फ्लोर में है, यहाँ से नीचे जाना है, बस इसमें दिक्कत ना हो चलने में। और ये है गौरव का सलून, और ये है गौरव पोछा लगा रहा है अभी तो लगाएगा बेचारा, स्टार्टिंग है, धीरे 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 हो जाएगा। नहीं गौरव कैसा लग रहा है अभी तेरा नया सलून ओपनिंग हो गया? लग रहा है कि मैम हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं अंदर से आज। हाँ। आज मेरा ड्रीम कंपार्टमेंट तैयार हो चुका है, तो बस अभी मेरे दिल की बातें बता नहीं सकता, कुछ टाइम बाद अभी जब थोड़ा रनिंग हो जाएगा तब से सर अच्छे से okay. सेटअप अच्छा किया है जो गौरव की जीजा जी है। अच्छा कौन आया?
प्रणाम कौन करेगा पहले? जला फोन ना लाइट। प्रणाम बोलो यार मौसी को। फोन ना लाइट जला फोन ना। प्रणाम कर दो। मैं फोन कैसे कर दे रंग लोग प्रणाम? रंग लोग प्रणाम कैसे कर दे? फोन दे। ऐसा वाला। तो माँ को। ठीक था ठीक था तू है? ठीक था। हाँ वो? ठीक था बेटा। ठीक था। अरे ये मौसी का हेल्थ है ये। हेलो गाइस ये मेरा है जा रही है जा रही मौसी तो जा रही हूँ यार क्या कर मेरे को लेट हो गया बच्चा कल परसों आएगी मौसी पर लेट होगा मौसी बाय बाय विदा बाय लुला लोग का नया घर हमारा वेद लोग का नया घर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये है ड्राइंग रूम उसके बाद ये है किचन ये है किचन अभी दिखाती रुको और ये है एक रूम बेडरूम ये है मेरे बुआ लोग का बेडरूम वेदू का रूम कहाँ है वेदू का रूम वही है बहुत है भाई बहुत अच्छा है चक्कर का ना गुंजी बुआ बड़ा बड़ा नहीं बहुत अच्छा है ये क्या कर रहे हैं मेरे को बचा रही हूँ चमक बजा बोला देना दे ऐसे आना हो गया ये ऐसे आना हो गया कल परसों ना रहने आएगी मौसी ठीक है वेदू के साथ दिन भर रहेगी मौसी ओके ठीक है बाबू आना ठीक है मौसी मौसी तो वेदू के साथ ही रहना उस दिन मौसी का सामान लेके जा मौसी का सामान लेके जाओ पकड़ो दो मौसी को दो हाथ में दो आना ठीक है मौसी लिया अरे यार मौसी तो फोन छोड़ के जा रही है वेदू के लिए बाय बेटा बाय जल्दी आना बाय बेटा हेलो गाइस जा तक सुन दे बाय बाय मौसी आना ठीक है ओके बाय बेटा बाय बेटू आना बेटू बाय 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 वो मौसी कैसे करती हूँ साजू